नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से राजनीतिक अखाड़ा में। उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। पहले अखिलेश माया का गठबंधन, फिर प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस प्रदेश महासचिव बनना, और साथ ही अयोध्या विवाद जिसका फैसला आने को तैयार ही नहीं है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इस मामले पर फिर टल गई। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज भी काफी सुर्खियां बटोर रहा है। हाल ही में खबर आई कि कुंभ नगरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट की मीटिंग पर इतिहास रच रहे हैं। वहीं प्रयागराज कुंभ को लेकर काफी ज्यादा सियासत गर्म कर रहा है। इस कुंभ मेले का फायदा अब हर कोई उठाना चाह रहा है। हर कोई इस आस्था के मेले को लेकर सियासत कर रहा है। ऐसे में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कहां पीछे रहते हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में नेता भी डुबकी लगाने में पीछे नहीं है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुंभ पर संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद अखिलेश ने संगम स्थित बड़े हनुमान जी के दर्शन किए और फिर राष्ट्रीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी जी महाराज के कुंभ स्थित आश्रम में गए। इस मौके पर अखिलेश ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर भी जमकर तंज कसे। उन्होंने संगम तट पर स्थित किले को सेना के कब्जे से मुक्त किए जाने की मांग की, ताकि आम श्रद्धालु भी सरस्वती के दर्शन कर सकें। उनके मुताबिक कुंभ में इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। अगर योगी सरकार यह नहीं कर पाती है तो उसे प्रयागराज कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को भेजना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि एक तरफ प्रदेश में किसान मर रहे हैं, फसल बर्बाद हो रही है, और सरकार कुंभ मेले में कैबिनेट बैठक कर रही है। योगी सरकार पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पहले सांडों से खेत तो बचा ले। 29 जनवरी को कुंभ में योगी मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक होने जा रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने राम मंदिर मुद्दे पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, साधु संतों को सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के साथ अपने गठबंधन पर उन्होंने कहा, हमें सांप और छुछंदर कहा गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी सीटों पर हम जीत हासिल करेंगे। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। ये यही कारण है कि वे हमेशा से योगी सरकार और केंद्र में बैठे सरकार को घेरे में लेते हैं, और उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ही इन्होंने अपनी सबसे बड़ी विरोधी मायावती से गठबंधन किया। लेकिन योगी आदित्यनाथ बिना किसी से गठबंधन किए लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जो शायद अखिलेश यादव को भा नहीं रहा। यही कारण है कि वो कुंभ मेले में सरकार से इस तरह की मांग कर रहे हैं। अब देखते हैं कि 2019 का ये चुनावी खेल अभी हमें अब सियासत के और कितने रंग दिखाता है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को YouTube पर भी देख सकते हैं और हमारे ऐप को Google Play Store से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।